अमरीका के जो बाइडन प्रशासन ने म्यांमार में बगावत तो बाद लोकतंत्र पक्षी प्रदर्शनकारियों उत्ते सरकार वालों की जा रही कार्रवाई कारण शुक्रवार को 22 सीनियर अधिकारियों उन्होंने परिवारक मैंबर से पाबंदी लगा दी है। अमरीकी सरकार ने म्यांमार की सेना के 7 मैंबर उन्होंने परिवार के 15 मैंबर से पाबंदियों का ऐलान किया है। अमरीका ने यह पाबंदियां म्यांमार में फरवरी के हुए तख्ता पलट के देश में प्रदर्शनकारियों के क्रैकडाउन के जवाब में लगाई सन। इस अलावा 3 ईरानी अधिकारियों से पहले लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई सन। US के खजाना विभाग ने कहा कि फौज द्वारा लोकतंत्र को दबाना म्यांमार के लोगों विरुद्ध बेरहमी हिंसा अस्वीकारन योग है। बयान में कहा गया है कि अमरीका म्यांमार की सेना खिलाफ जुर्माने लगाना जारी रखेगा। म्यांमार के सूचना मंत्री चितनैंग, कृत मंत्री, समाज भलाई मंत्री सने कई सीनियर मंत्रियों खिलाफ पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीका के अधिकार खेत्र में इन अधिकारियों की जायदाद को रोक दिया जाएगा और अमरीकी लोग उन्होंने किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। विभाग ने 3 ईरानी अधिकारियों से पाबंदियां हटाने लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिता, पर अधिकारियों ने कहा कि पहला भी अजिहे कदम चुके गए सन। पिछले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के बहजाद डैनियल फरडौस से मोहम्मद रेजा डैजाफिलिन से पाबंदी लगाई सी। दसनयोग है कि अमरीकी सरकार ने म्यांमार की सेना के 7 मैंबर उन्होंने परिवारों के 15 मैंबर से पाबंदी का ऐलान किया है। अमरीका ने यह पाबंदियां म्यांमार में फरवरी के हुए तख्ता पलट और देश में प्रदर्शनकारियों के क्रैकडाउन के जवाब में लगाई सन।